ऑक्सीजन का अगला गुण है कि इसे उच्च दाब पर द्रवीभूत किया जा सकता है ये गैस है जब इसे द्रवीभूत करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो O2 उच्च दाब पर गैशेस से O2 लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है इसी तरह से 55 केल्विन टेम्परेचर पर बहुत अधिक दाब डालने पर यह ठोस रूप में भी परिवर्तित होता है नीले सफ़ेद ठोस में ये परिवर्तित हो सकता है तो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर लिक्विड से फिर और ये ठोस फॉर्म में भी परिवर्तित हो रहा है नीले सफ़ेद ठोस में ये परिवर्तित हो सकता है ऑक्सीजन के कई समस्थानिक होते हैं समस्थानिक जहाँ पर परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो ऑक्सीजन 16, 17 एवं 18 तीन प्रकार के समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं एम ओ टी के आधार पर जब हम इसके डायग्राम को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जब हम ओ टू का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं यह इसके दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अनुचुंबकीय व्यवहार को दर्शाता है ऑक्सीजन क्रियाशील होते हैं कई धातुओं के साथ ये क्रिया कर सकते हैं कई अधातुओं के साथ भी ये क्रिया करते हैं लेकिन गोल्ड एवं प्लेटिनम के साथ ये ऑक्सीजन क्रिया नहीं करता है इसी प्रकार कुछ अधातु हैं जैसे हीलियम नियॉन ऑर्गन इनके साथ भी ये क्रिया नहीं करते हैं ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है द्विबंध पाया जाता है इसके लिए बंद वियोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है बंद वियोजन ऊर्जा का मान इसमें 428 किलो जूल किलोजूल प्रति मोल होता है तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है जब ये किसी भी तत्व के साथ संयोग करता है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन ये दर्शाता है चूँकि जब ये तत्वों के साथ क्रिया करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दर्शाते हैं और क्रिया को प्रारंभ करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है यहाँ बंद वियोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है इस वजह से प्रारंभ करने के लिए रिएक्शन को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन जब धातुओं से क्रिया करता है तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा तो धातुओं के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उसकी प्रकृति क्षारी होती है तो कुछ ऑक्साइड देखिए ये किस किस प्रकार के ऑक्साइड बना सकते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके जब ये ऑक्साइड बनाते हैं कुछ रिएक्शन आप देखिए 4M एम प्लस ओ टू इज़ इक्वल टू टू एम टू ओ टाइप ऑक्साइड बना दूसरा है 2M एम प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एम ओ प्रकार का ऑक्साइड 4M एम प्लस थ्री ओ टू इज इक्वल टू टू एम टू ओ थ्री प्रकार का ऑक्साइड तो ये तीन प्रकार के ऑक्साइड एम टू ओ एम ओ और एम टू ओ थ्री ये बनाते हैं तो ये सभी जो है छारी ऑक्साइड होते हैं धातुओं के ऑक्साइड क्षारी प्रकृति के होते हैं क्योंकि जब ये जल से क्रिया करते हैं तो क्षार बनाते हैं तो उस रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि ये छारी ऑक्साइड होते हैं तो छारी ऑक्साइड होने के कारण जब इसकी प्रकृति को हम चेक करेंगे लिटमस पेपर के द्वारा तो लाल लिटमस को ये नीले रंग में परिवर्तित करते हैं कैल्शियम का उदाहरण आप देखिए कैल्शियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो टू सी बना कैल्शियम ऑक्साइड बना सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है जैसे फोर एन ए इज प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एन ए टू ओ तो इसके जो ऑक्साइड है चाहे कैल्शियम भी धातु है सोडियम भी धातु है तो इसके जो ऑक्साइड है वो क्षारी प्रकृति के होते हैं अधातुओं के साथ जब ये ऑक्सीजन क्रिया करता है तो जो ऑक्साइड बनाता है वे अम्ली प्रकृति के होते हैं जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं तो ये जो अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं जब ये सल्फर के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड S एस प्लस ओ टू इज इक्वल टू एस ओ टू इसी प्रकार पी फोर फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो पी फोर ओ टेन कार्बन के साथ क्रिया करता है तो C प्लस ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू प्रकार से ये ऑक्साइड बनाते हैं तो ये सभी अम्ली प्रकृति के होते हैं यौगिकों से क्रिया किस प्रकार से करेंगे तो उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण जब हम इसका देखते हैं संपर्क विधि में H2SO4 निर्माण की जो संपर्क विधि होती है वहाँ पर ये SO2 के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं देखिए तो 2SO2 प्लस इज इक्वल टू वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है टू एस ओ टू प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एस ओ थ्री यह रिएक्शन जो है वो की ऑक्सीकरण को दर्शाता है हम यहाँ पर यौगिकों से किस प्रकार ऑक्सीजन की क्रिया होती है वह जान रहे हैं तो ये एक संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 बनाने का एक पद है बहुत ही मुख्य पद है यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं इसी प्रकार ऑक्सीडेशन ऑफ एच तो एच के ऑक्सीडेशन से क्लोरीन प्राप्त कर किया जाता है जो डीकन विधि है प्रारंभ में ये आ, पुराने समय में ये क्लोरीन बनाने की एक मुख्य विधि हुआ करती थी तो जब एच का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्लोरीन प्राप्त होता है तो फोर एच सी एल प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू सी एल टू प्लस एच टू ओ सी यू सी एल टू की उपस्थिति में क्रिया हो रही है चार सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये डीकन विधि है जिसके द्वारा क्लोरीन प्राप्त की जाती है कई कार्बनिक यौगिकों का भी ये ऑक्सीकरण करते हैं जैसे मेथेन है तो मेथेन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है इसी प्रकार कई अन्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ये ऑक्सीडेशन कर पाते हैं या उनसे क्रिया कर पाते हैं तो कुछ उदाहरण देखेंगे सी एच फोर अर्थात मेथेन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना इसी प्रकार ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो रहा है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू इज इक्वल टू सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ बनता है एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो आर सी एच टू ओ एच प्लस ओ टू इज इक्वल टू आर सी एच ओ बना यानी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बना और पुनः जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो अम्ल बनता है तो आर सी एच ओ प्लस ओ टू इज इक्वल टू आर सी ओ ओ एच प्राप्त होता है इसी प्रकार एसिटिलीन का जब ऑक्सीकरण होता है तो टू सी टू एच टू प्लस फाइव ओ टू इज इक्वल टू फोर सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो कई यौगिकों से ये क्रिया करके विभिन्न प्रकार के कंपाउंड बना पाते हैं अब हम ऑक्सीजन के उपयोग के बारे में जानेंगे ऑक्सीजन दहन में श्वसन में सहायक होता है जब पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते हैं ऊंचाई पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं कृत्रिम श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन को हीलियम या नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके प्रयोग किया जाता है ऑक्सीएसिटिलिन का प्रयोग बहुत सारे जो धातुएं होती हैं उनको काटने में जोड़ने में वेल्डिंग की क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है इस पात के निर्माण में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है अमोनिया का ऑक्सीकरण करके अम्ल बनाया जाता है ओस्ट विधि में तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है तो जैसे देखिए अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है और पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है उसके बाद नाइट्रिक अम्ल बनता है जल से क्रिया करके तो उस रिएक्शन को आप देखिए एन एच थ्री प्लस फाइव ओ टू इज इक्वल टू फोर एन ओ प्लस सिक्स एच टू ओ तो एमोनिया जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बना इसी प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड अगले पद में नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब फिर जल से क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और इस नाइट्रिक ऑक्साइड का चक्रण करके फिर से अम्ल की प्राप्ति की जा सकती है रॉकेट ईंधन में भी द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और एक मुख्य ईंधन के रूप में यह माना जाता है अब हम जानेंगे ऑक्साइड क्या होते हैं तो विभिन्न तत्व जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं विभिन्न तत्वों में धातु अधातु ये विभिन्न तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकृति के ऑक्साइडों का निर्माण होता है कुछ सरल ऑक्साइड होते हैं कुछ मिश्रित ऑक्साइड्स होते हैं तो ऑक्साइड को भी प्रकृति के आधार पर रासायनिक गुण के आधार पर एवं ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ऑक्साइडों के कितने प्रकार होते हैं पहला प्रकार है सामान्य ऑक्साइड जो सामान्य ऑक्साइड होते हैं धातुओं की सामान्य संयोजकता को संतुष्ट किए हुए होते हैं सामान्य ऑक्साइड इसमें समस्त जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो धातुओं की जितनी भी संयोजकता होती है उसे वो संतुष्ट करता है तो उदाहरण है यहाँ पर एम जी ओ ए एल टू ओ थ्री ये है सामान्य ऑक्साइड जो कि धातुओं की, की सामान्य संयोजकता को संतुष्ट किए हुए होता है अगला हम देखेंगे बहु ऑक्साइड यहाँ बहु ऑक्साइड नाम से ही स्पष्ट है बहु ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कुछ अधिक होगी तो इसे हम बहु ऑक्साइड कहते हैं इसका उदाहरण है बी ए टू और एन ए टू ओ टू सुपर ऑक्साइड जैसे कि के ओ टू आर बी ओ टू डाई ऑक्साइड एम एन ओ टू पी बी ओ टू तो ये सब बहु ऑक्साइड के उदाहरण हैं सब ऑक्साइड सब ऑक्साइड यानी जब ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम होती है उसका उदाहरण है N2O नाइट्रस ऑक्साइड C3O2 तो ये जो C3O2 है ये कार्बन के ही सब ऑक्साइड होते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम होती है अगला है मिश्रित ऑक्साइड मिश्रित ऑक्साइड जहाँ पे दो सरल ऑक्साइड आपस में क्रिया करते हैं और मिश्रित ऑक्साइड बनाते हैं जैसे Pb3O4 जो रेड लेड होता है वह पी PBO और पी का मिश्रण होता है पी बी ओ यानी लेड मोनोऑक्साइड और पी बी ओ टू यानि लेड डाइऑक्साइड। तो इन दोनों के मिश्रण से बनता है पी बी थ्री ओ फोर इसी प्रकार यदि हम सामान्य रूप से इसे देखें तो एम ओ प्लस एम ओ टू यदि क्रिया करेंगे तो बनेगा एम टू ओ थ्री एक मिश्रित ऑक्साइड बनता है मिश्रित ऑक्साइड का एक और उदाहरण हम देखेंगे फेरसोफेरिक ऑक्साइड तो फेरेसोफेरिक ऑक्साइड एफ ई थ्री ओ फोर बनता है एफ ई ओ एवं एफ ई टू ओ थ्री के मिश्रण से रासायनिक गुणों के आधार पर भी ऑक्साइड को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है सबसे पहले हम देखेंगे क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड गुड़ में ये क्षारीय प्रकृति के होंगे यानी लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं प्रायः जो धातुएँ होती हैं वे छारी ऑक्साइड बनाती हैं छारी ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो ये लवण का निर्माण करते हैं छारी ऑक्साइड जल में घुल कर छार देते हैं और जब इसे अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो ये लवण का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर उदाहरण देखिए छारी ऑक्साइड का उदाहरण हम ले रहे हैं Na2O जब ये जल से क्रिया किया H2O एन ए टू ओ प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू टू एन एच सी ए एक छारी ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड जब ये एच सी एल से क्रिया करता है तो जब ये अम्ल से क्रिया कर रहा है तो एक लवण बनेगा टू एच सी एल इज़ इक्वल टू सी ए सी एल टू प्लस एच टू ओ कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो छार का निर्माण होता है तो सी ए ओ प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू सी ए ओ एच अगला जानेंगे अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति होगी ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं अम्लीय ऑक्साइड जब छारी ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण करते हैं और ये जो अम्लीय ऑक्साइड है जब जल से क्रिया करते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं तो इसके कुछ उदाहरण आप देखिए सी ओ टू एस ओ टू एस ओ थ्री पी टू ओ फाइव सी एल टू ओ सेवन तो ये सारे जो हैं अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड जब क्षार से क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण करते हैं तो सी ओ टू और एच टू ओ की क्रिया होगी तो पहले तो ये अम्ल का निर्माण करते हैं तो अम्ल का निर्माण कर पाते हैं इसलिए ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं तो सी ओ टू प्लस एच टू ओ इज़ इक्वल टू एच टू सी ओ थ्री एस ओ टू प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू एच टू एस ओ थ्री यानी सल्फ्यूरस अम्ल SO3 ओ थ्री प्लस एच टू ओ इज इक्वल टू एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक अम्ल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एच टू सी ओ थ्री एच टू एस ओ थ्री एच टू एस ओ फोर विभिन्न प्रकार के अम्ल का निर्माण जल के साथ क्रिया करके ये ऑक्साइड कर पाते हैं तो अर्थात ये अम्ली ऑक्साइड्स होते हैं अम्ली ऑक्साइड जब क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण करते हैं अम्ली ऑक्साइड के उदाहरण में हम देख रहे हैं सी आर टू ओ थ्री जब जल से क्रिया करता है तो एच टू सी आर टू ओ फोर यानी क्रोमिक ऑक्स अम्ल का निर्माण करते हैं कुछ जो ऑक्साइड होते हैं जब जल में घुलते हैं तो ये ऑक्साइड जल में घुलकर दो ऑक्सी अम्ल भी देते हैं और इनको हम कहते हैं इस प्रकार के जो ऑक्साइड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं अम्लों के मिश्रित एनहाइड्राइड। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए जैसे एनओ है तो एनओ जब जल से क्रिया करता है दो प्रकार के ऑक्सो अम्ल दे सकते हैं एच एन ओ टू और एच एन ओ थ्री यानी नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पी फोर ओ एट फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड है वह जब जल से क्रिया करता है तो एच थ्री पी ओ थ्री और एच थ्री पी ओ फोर का निर्माण कर फॉस्फोरस अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है उदासीन ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड नाम से स्पष्ट है ना तो अम्ल से क्रिया करेगा ना क्षार से क्रिया करता है ना जल से क्रिया करेगा उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण एच टू ओ सी ओ एन टू ओ नाइट्रस ऑक्साइड एन NO, ओ नाइट्रिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड उभयधर्मी नाम से स्पष्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं तो जब ये अम्ल से क्रिया करेंगे तो भी ये लवण का निर्माण कर सकते हैं क्षार से क्रिया करके भी ये लवण का निर्माण कर सकते हैं तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है उसके कुछ उदाहरण हैं जिंक ऑक्साइड Al2O3, बेरिलियम ऑक्साइड और Cr2O3. तो जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है इसको दर्शाने के लिए हम दो प्रकार से इसको रिएक्शन से पढ़ेंगे पहला हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड क्रिया करता है छार से अर्थात यहाँ पर यह अम्ल्य गुण को दर्शाता है तो जिंक ऑक्साइड ZnO एन ओ प्लस टू एन एच इज इक्वल टू एन ए टू जेड एन ओ टू मतलब सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ प्लस एच टू ओ तो यहाँ पर यह अम्ली प्रकृति को दर्शाता है जिंक ऑक्साइड अपने दूसरा हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है जेड एन ओ प्लस टू एच सी एल इज इक्वल टू जेड एन सी एल टू प्लस एच टू ओ तो यहाँ जिंक ऑक्साइड के दोनों रिएक्शन उसके अम्ली गुण को और छारी गुण को दर्शाते हैं अगला हम देखेंगे Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है तो यह भी अम्ल और क्षार से क्रिया करके अलग अलग तरह से लवण बनाते हैं और एक रिएक्शन में ये अम्ल प्रकृति को दर्शाते हैं और एक एक रिएक्शन में ये छारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं okay. Al2O3 जब HCl से क्रिया करता है तो Al2O3 एल टू ओ प्लस सिक्स एच सी एल प्लस नाइन एच टू ओ इज इक्वल टू टू एल एच टू ओ होल सिक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे थ्री प्लस तो ये एक संकुल यौगिक बना एक संकुल लवण का निर्माण हुआ प्लस सिक्स सी एल माइनस यानी हेग्जा एक्वो एल्यूमिनियम थर्ड आयन का निर्माण होता है तो यहाँ पर ये अम्ल से क्रिया करता है अम्ल से क्रिया करके लवण बना रहा है तो ए एल टू ओ थ्री यहाँ पर छारी प्रवृत्ति को दर्शाता है अगला हम देखेंगे ए एल टू ओ थ्री प्लस सिक्स एन एच तो छार से क्रिया कर रहा है यानी यहाँ पर ये अपने अम्लीय गुण को दर्शाता है ए एल टू ओ थ्री एच सी एल के साथ जब क्रिया करता है तो छारी गुण को दर्शाता है जब ये अम्लीय गुण को दर्शाएगा स्वयं के ए एल टू ओ थ्री प्लस सिक्स एन ए ओ एच प्लस थ्री एच टू ओ इज इक्वल टू टू एन ए थ्री ब्रैकेट के अंदर ए एल ओ एच होल सिक्स और ब्रैकेट क्लोज तो यहाँ पर भी सोडियम हेग्जा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट जो आयन है वो प्राप्त होता है एल्यूमिनेट का थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये भी एक संकुल लवण को दर्शाता है